अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कमलनाथ का आज ग्वालियर मुरैना का दौरा है। आज मुरैना में रोड शो करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। वहीं ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ का आज ग्वालियर और मुरैना का दौरा है। मुरैना में रोड शो करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। वहीं ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो जिस तरीके से उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है, शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले उपचुनाव में जो है प्रचार में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कमलनाथ का आज ग्वालियर मुरैना का दौरा है। मुरैना में रोड शो करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और वहीं ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। और इसी खबर पर साधु जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कमलनाथ का आज ग्वालियर और मुरैना का दौरा है। प्रचार आज शाम को 5 बजे थम जाएगा, लेकिन उससे पहले उपचुनाव प्रचार प्रसार में कमलनाथ अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आज ग्वालियर मुरैना के दौरे पर रहने वाले हैं, साथ ही रोड शो में भी जो है शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी? विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसके लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और आखिरी दिन के प्रचार में मध्य प्रदेश के तमाम राजनेता लगे हुए, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, उमा भारती हो, या मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो। शिवराज सिंह चौहान की सबसे पहले बात कर ली जाए तो देवास, मंदसौर, आगर और राजगढ़ जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही रोड शो में भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ली जाए, ये ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है वो भी ग्वालियर मुरैना संभाग में रहेंगे और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़, शिवपुरी और अशोकनगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के राज्यसभा सांसद, ये भी आखिरी दिन चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। इसके अलावा भिंड, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में सभाओं को संबोधित करने के साथ रोड शो में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर ली जाए तो 10:30 बजे मुरैना पहुंचेंगे और यहां पर रोड शो में शामिल होंगे। इसके बाद 12:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तकरीबन 2:30 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से चर्चा भी करेंगे। दो दिन पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। हालांकि आज इमरती देवी के प्रचार पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, तो ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चुनाव आयोग की रोक के बाद स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद भी चुनाव प्रचार करने पर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची और शिकायत की है। कुल मिलाकर आज प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा और इस बीच में सियासी गलियारों में चर्चा भी जोरों पर है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की शिकायत लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के, सभी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव प्रचार में झोंक दी और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज आखिरी दिन है और इससे पहले तमाम दिग्गज अपनी पूरी ताकत इस आज